मछुआरा जैसे मछली पकड़ने के लिए रोज नदी में जाता है, ठीक वैसे ही दोस्तों अगर आपको एक्सपायरी के दिन जैकपॉट पकड़ना है तो मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट, 48,000 से ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के एक्सपायरी एक यादगार एक्सपायरी में कहना चाहूंगा, जो वादा किया वही मैंने निभाया। आपको लाइक करना पड़ेगा और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा में, क्योंकि 12:12 में क्लियर कट बोल दिया था 17,670। यही लेवल के नीचे अगर आएगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। देखिए प्रूफ सामने है, पब्लिक के सामने। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे ही निफ्टी ने मेरे लेवल को ब्रेक डाउन किया है, पूरे 100 पॉइंट गिरता गया, और यही बोलते हैं दोस्तों एक्सपायरी जैकपॉट। जो लेवल दिया लाइव शो चला और लोगों ने दोस्तों भर भर के कमाया, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का, आज बारिश हुआ है, ओनली प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भर भर के आए। कितना स्क्रीनशॉट गिनूं दोस्तों आपके सामने, गिन कि मैं थक जाऊंगा। तो जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले निफ्टी का ये कुछ नहीं है, उससे पहले और एक निफ्टी का लेवल दिया था 17,698 के नीचे में सेल करना है बोल के, और वो लेवल भी दोस्तों कहीं ना कहीं काम दिया। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस भी दिया, और क्या चाहिए, फ्री वाले ग्रुप पे जाइए ज्वाइन कर लीजिए। फ्राइडे है तो कल के दिन दोस्तों ब्लैक फ्राइडे होगा या फिर ग्रीन फ्राइडे, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो ऑप्शन चेन पे आज के दिन मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये दोस्तों 16 मार्च का ऑप्शन चेन है, और यहां पे जो दिख रहा है ना, आज थोड़ा सा गिरा क्या, आप देख सकते हैं 41,500 पे 10 लाख से ज्यादा कॉल राइटर आ चुके हैं, तो ये कुछ तो गड़बड़ है दया, यही वाली बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पुट राइटर दोस्तों अगले हफ्ते के ऑप्शन चेन में देख रहा हूं, और पुट राइटर अभी से हटते जा रहे हैं 17,750 के लेवल से, 1,32,000 पुट राइटर भागे, और ये मैं क्या देख रहा हूं, 49 लाख कॉल राइटर एक दिन में। भाई आज एक्सपायरी एंड हो रहा है, अगले हफ्ते के एक्सपायरी में इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है क्या फॉल, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सीधे हम वीडियो चालू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, जाइए फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये मतलब एक भाई जैसा आपको बोल रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है आप लोग सब्सक्राइब करते भी नहीं, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस नहीं करते, तो प्रेस करके रखिए दोस्तों। तो चलिए सीधे हम स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे ऑप्शन चेन। तो ध्यान से जरा देखिए, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, एक एक लाइन में आज के दिन में खत्म करना चाहूंगा। कल के दिन बैंक निफ्टी में क्या करना है, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुला और 41,140 इस लेवल के नीचे आने लग गया, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमें सेल करना है। इसमें एक पैटर्न बन रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल टूटने वाला है। तो कल के दिन अगर फ्लैट खुला और 41,140 के नीचे हमें क्या करना है, अगर सस्टेन किया तो पुट ऑप्शन खरीदना है। इसके पहला रीजन ये है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट देखो बता रहा हूं, 41,140 का अगर आप लेवल देखेंगे, यहां से देखिए मार्केट एक अपसाइड का मोमेंट दिया, फिर एक डिप मारा, और अगर आप देखेंगे दोस्तों यही 41,140 लेवल के आसपास यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां से एक अपसाइड का मूव दे दिया। अभी की बात है, कल के दिन की बात है, अगर आप देखेंगे सेम लेवल को कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुला, यहां पे सेम लेवल को मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया और एक अपसाइड का कल के दिन मूव दे दिया। यानी कि दोस्तों क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि ठीक है भाई, ये एक डबल बॉटम बन चुका है और कहीं ना कहीं क्लियर कट सपोर्ट बन गया है 41,140 के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, राइट। आपके सामने क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ठीक है, दो बार कहीं ना कहीं यही लेवल को टच करके मार्केट अपना अपसाइड का मूव दिया है। अब सेम दोस्तों अगर यही लेवल को ब्रेक डाउन दे देगा कल के दिन, तो ऑब्वियसली बात है सपोर्ट टूट जाएगा। अब जब सपोर्ट टूटा तो मार्केट नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा, यही रीजन की वजह से मैं बोला कल के दिन अगर फ्लैट खुला 41,140 के नीचे अगर जाएगा तो ही हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, पुट बाय करना है। ओके क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉल कब बाय करना है। देखिए कॉल बाय करना के लिए मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं कल के दिन, सच में बता रहा हूं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूं। अगर कल के दिन कुछ गैप अप वगैरह खुल गया, ऐसे कुछ जो कि बहुत कम चांसेस है, गैप अप वगैरह खुल गया और 41,647 इतना बड़ा लेवल में दे रहा हूं, इसके ऊपर अगर जाएगा तो ही हमें कॉल खरीदना है। अब दोस्तों देखिए मार्केट ने खुद अगर रेंज दिया है, मैं कैसे आपको लेवल दे सकता हूं, जो लॉजिक है तो वो है कल के दिन एक तो नीचे गिरना चाहिए, नहीं तो दोस्तों इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि देखिए 41,647 क्लियरली दिख रहा है, एक डबल टॉप है, आप खुद देख लीजिए। यहां पे दोस्तों एक बार मार्केट कहीं ना कहीं टच किया, यहां से डाउन मारा, अगर आप देखेंगे सेकंड टाइम यहां पे डॉट यहां पे टच करा, यहां से मार्केट डाउन मारा, यानी कि दोस्तों ये भी क्लियर कट एक डबल कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि टॉप बोल सकते हैं, जहां पे दो बार कहीं ना कहीं मार्केट
रेजिस्टेंस लेके आज के दिन कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे गिरा और नीचे एक डबल बॉटम बनाया, यानी कि मार्केट फंस गया पूरे रेंज में। एक तो ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन देगा तो नीचे जाएगा। सिंपल बात है दोस्तों, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, दोनों सिंपल बात है। अगर कल के दिन गैपअप खुल गया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता फिरेगा और आपका जो फ्राइडे है ना वो पूरा प्रीमियम फ्राई ही होगा और वही डे रहेगा, एक साइड डे रहने वाला है। प्लान समझ में आ गया? अब जल्दी देख लेते ऑप्शन चेन 41,250 के आसपास कहीं ना कहीं दोस्तों क्लोजिंग दे रहा है। अब आ चुके हैं सीधे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारा कॉल राइटर, ये हमारा पुट राइटर, इनका काम मतलब आपको बताएं सपोर्ट नहीं भाई, ये पुट राइटर का काम है सपोर्ट क्रिएट करना, इनका काम रेजिस्टेंस क्रिएट करना, जो कि आज के दिन अच्छा खासा किए और बहुत अच्छा हैंडल किया आज के दिन मार्केट को, मानना पड़ेगा कॉल राइटर को बहुत स्मूथली हैंडल किए। तो सिंपल बात है दोस्तों, देखिए अगर आप कॉल राइटर की बात करें तो 41,250 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है। ऊपर वाले अगर हम सारे लेवल देखें तो दोस्तों कुछ खास राइटिंग नहीं है, और खास करके जो फ्राइडे का ऑप्शन चेन रहता है ना थोड़ा सुना सुना खाली खाली रहता है। सच में क्या बताऊं मैं आपको, 41,300 के लेवल पे ओनली 3 लाख, 41,400 के लेवल पे ओनली 4 लाख, ओनली 41,500 के लेवल पे दोस्तों 10 लाख, 98,000 कहीं ना कहीं कॉल राइटर बैठे हैं। यही आप बोल सकते हैं कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए, अगर 41,500 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो ऊपर। अब पुट राइटर की बात दोस्तों हम अगर ना करें तो अच्छा है, आपके सामने पढ़ने के लिए मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि सच में पुट राइटर भाई इंटरेस्टिंग डाटा नहीं है तो कैसे मैं पढूं। आपके सामने देख सकते हैं 41,100 पे ओनली 90,000, क्या है ये पुट राइटिंग है। 41,000 जो एक राउंड लेवल है भाई, यहां पे मोटा मोटी 10 लाख डाटा तो रहना चाहिए, ओनली 1,90,000, नहीं पुट राइटर नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यानी कि पुट राइटर है ही नहीं नीचे, सपोर्ट बहुत वीक है, मार्केट नीचे गिरने का चांसेस और ज्यादा बढ़ता है ये सब देख के। तो कल के दिन दोस्तों पुट के बारे में आप सोचिए मत, कल के दिन लेवल टूटते हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि पुट राइटर नीचे वाले लेवल से है नहीं, कॉल राइटर उल्टा एग्रेसिव है। तो क्लियर हो गया, अब जल्दी देख लेते हैं निफ्टी का क्या हाल चाल है। देखिए निफ्टी में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए रहेगा। पहला स्टेप, अगर समझ लीजिए कल के दिन मार्केट फ्लैट खुला और 17,577 इस लेवल के नीचे, 577 दोस्तों याद रखिए, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट खुल के 17,577 के नीचे आने लग गया तो डेफिनेटली 17,539 आपका टारगेट रहेगा, इजीली अचीव हो जाएगा। इसके पीछे दोस्तों क्लियर कट रीजन मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं, जो कि यहां पे आपको रीजन दिख रहा है, आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ठीक है भाई 17,577 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। मार्केट ने क्या हुआ कि वही रेजिस्टेंस एक बार फिर ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अब सेम रेजिस्टेंस क्या बन चुका है, ये पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उस दिन ब्रेकआउट दिया, यानी कि सेम रेजिस्टेंस अब बनेगा दोस्तों सपोर्ट। अब यही सपोर्ट को अगर कल के दिन मार्केट ब्रेक करेगा, इसलिए मैंने बोला कि अगर कल के दिन फ्लैट खुल गया मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुल गया और यही सपोर्ट के नीचे अगर आने लग गया तो इजीली आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को लाइक मिलेगा, और कल के दिन अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन खुला तो भी डाउनसाइड मोमेंटम देखने को लाइक मिलेगा, और अगर कल के दिन थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल गया यहां पे 17,550 के आसपास तो फिर तो कोई गड़बड़ है दोस्तों, तो फिर तो कुछ अच्छा मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर 17,539 एक सपोर्ट आ जाता है छोटा सा, क्योंकि यहां पे मार्केट कहीं ना कहीं एक डबल छोटा सा बॉटम बना के ऊपर गया था, आप लोग क्लियर कट देख पा रहे हैं। तो कल के दिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुला इसी रेंज के अंदर रहेगा, फ्लैट खुला लेवल टूटेगा हम सेल करेंगे, थोड़ा सा भी गैप डाउन खुल गया तो भी स्पेस है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, सेल करेंगे, क्योंकि डॉट दोस्तों सपोर्ट के आसपास आके ही बंद हो रहा है। अब दोस्तों बाइंग के लिए मैं क्या बोलूं, निफ्टी में बाइंग के लिए आप कल सोचिए मत, क्योंकि बाइंग के लिए बहुत कम पॉसिबिलिटी है। कल के दिन एक तो निफ्टी साइडवेज रहेगा इस रेंज के अंदर, टूटेगा तो डेफिनेटली नीचे आएगा, गैप डाउन खुलेगा तो साइडवेज, तो कुछ खास बाइंग का व्यू बन नहीं रहा है। देखिए बाइंग करना है तो आपको 17,674 के ऊपर ही करना पड़ेगा, इसके पीछे भी रीजन ये है कि जो हमारा रेड कलर का ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं, इसी ट्रेंड लाइन को दोस्तों कहीं ना कहीं निफ्टी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहां पे एक बार टच किया निफ्टी, फिर अगर आप देखेंगे यहां पे एक बार टच किया, यानी कि एक बार यहां से आया, सेकंड टाइम दोस्तों अगर आप देखेंगे डॉट निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आया, तो अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो अगर कल के दिन गैप अप खुला और यही ट्रेंड लाइन को यहां पे अगर ब्रेकआउट दे दिया और जो 17,674 एक रेजिस्टेंस जोन है इसके ऊपर निकलना चालू किया, जो कि आज के दिन सपोर्ट था, आप खुद देख लीजिए सपोर्ट था, यही सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेकआउट भी किया, ब्रेकडाउन भी किया, और अगर आप देखेंगे ब्रेकडाउन करके नीचे भी आ गया रेजिस्टेंस बना के, तो ट्रेंड लाइन टूटना चाहिए जो हम सेटअप फॉलो करते हैं हमेशा, और कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए 17,600
74, अगर इसके ऊपर गया तो ही हमें बाय करना है, नहीं तो बाइंग के बारे में सोचिए मत। मैं पर्सनली तो इंटरेस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी। अब जल्दी देख लेते हैं ऑप्शन चेन, 17,580 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहे हैं दोस्तों। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारा कॉल राइटर, ये हमारा पोर्ट राइटर, इनका काम पता है आपको, इनका काम तो अच्छी तरीके से पता है, और आज के दिन उनका थोड़ा बैंड भी बजाएं तो सिंपल बात है 17,580 के आसपास कहीं ना कहीं अगर क्लोजिंग दे रहे हैं। तो ऊपर का सारा अगर आप कॉल राइटर देखोगे तो बहुत बहुत है दोस्तों, सीरियसली बहुत है। अगर आप देखेंगे 17,700 के लेवल पे, देखिए इसके आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे 17,650 पे 11 लाख से ज्यादा कहीं ना कहीं कॉल राइटर, 17,700 के लेवल पे 49 लाख से ज्यादा कॉल राइटर। यही डाटा पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, यही दिखाते हैं कि भाई स्ट्रेंथ कितना है बोल के, दिखाता है बिल्कुल है कि भाई इतना दम है बोल के। लेकिन अगर आप बोले पुट राइटर, नहीं, वो बैंक निफ्टी में भी खाली खाली थे और यहीं पे भी दोस्तों खाली खाली है। अगर आप देखेंगे पुट राइटर 17,500 के लेवल पे ओनली 7 लाख, उसके नीचे तो 1 लाख, 8 लाख, 4 लाख, नहीं दोस्तों पुट राइटर गायब हैं। लेकिन कॉल राइटर आप बोल सकते हैं कि ठीक ठाक हैं, अभी से कहीं ना कहीं अपना जमा के बैठे हैं पूरे के पूरे। तो डेफिनेटली दोस्तों कल के दिन अगर लेवल टूटा तो नीचे की तरफ ही सोचिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाइए फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल मत भूलिए, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। अपने मम्मी पापा को बहुत 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 सारा प्यार दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, टेक केयर, बाय एंड सी यू।